बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस वार्षिक महोत्सव के कार्यक्रम में विराजमान पूज्य स्वामी जी एवं सभी धामधनी के प्यारे सुंदर साहब जी, आप सबके चरणारविंद में मेरा कोट कोट प्रणाम जी। मेरा आज बहुत ही सौभाग्य है कि मैं इस मन से चित्तनी के बारे में आप सबको संबोधन करूंगा। जैसा कि आत्मिक दृष्टि से परम धाम तथा युगल स्वरूप को देखना ही और परात्म को देखना ही चित्तनी है, परंतु चित्तनी की आवश्यकता क्यों, ये प्रश्न सबके अंदर उठ सकता है। और चित्तनी के बिना आत्मिक जागृति की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु ज्ञान प्रेम संतोष और तप का भी महत्व है। परंतु बिना चित्तनी किए अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो जाए तो यह असंभव है। इसलिए धामधनी वाणी में कहते हैं, इनविध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है, भजन बिना सब नरक है, पचपच मरिय माए। चित्तनी ही वास्तविक भजन है जिसके द्वारा इस दुख रूपी माया से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इसी दुख रूपी माया में हमें बार बार जन्म लेके मरना पड़ता है। आज जो ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस माया के मुंह में फंसे हुए हैं या फंसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो धन हो या स्त्री हो या पुरुष हो या अन्य चीज़ें हों, वो भी कहीं ना कहीं गोविंद भेड़े की प्रवेश होने की प्रक्रिया में समावेश होते जा रहे हैं। गोविंद भेड़ा एक भूत की मंडली होती है जहाँ पर भूत बहुमूल्य पदार्थों को इकट्ठा करके रखता है और जो भी उस पदार्थ को छू लेता है वो भी भूत बन जाता है। मैं आप सबको इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि तीन साधु होते हैं, वो गोविंद भेड़े की मंडली से गुजर रहे होते हैं। तो जो प्रथम साधु होता है वो जब वहाँ से जाता है तो उसको भी बहुत बहुमूल्य पदार्थ दिखाई देते हैं, परंतु उसको ये पता होता है गोविंद भेड़ा अर्थात भूत मंडली है, अगर मैंने इसको यहाँ की किसी भी वस्तु को स्पर्श किया तो मैं भी भूत बन जाऊँगा। और वो अपने ज्ञान के द्वारा वहाँ से निकल जाता है। उसी रास्ते से जब दूसरा साधु आता है तो उसको भी वही पदार्थ दिखाई देते हैं, परंतु वो पहले गए हुए ऋषि के पगचिन्हों में अपने पैरों को रखते हुए वहाँ से चला जाता है। और जब तीसरा साधु आता है तो वो उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आ जाता है और वो एक कंबल पे मोहित हो जाता है, और जैसे ही उस कंबल को स्पर्श करता है वो भी भूत बन जाता है। आज हम भी कहीं ना कहीं इस माया में मान प्रतिष्ठा के पीछे और अपने परिवार में मोह बस इसको पकड़े हुए हैं। आज जो ब्रह्म सृष्टि का दावा लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं इस माया में, और हमारे पास तो ब्रह्म ज्ञान भी है परंतु हम इस माया में ही लगे हुए हैं। और सुंदर साहब जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे वाणी में कहते हैं, निस्दिन ग्रहिये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यहाँ सो और धाम वर्णन। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, हमें प्रतिदिन यहाँ चित्तनी के लिए कहा जा रहा है जिससे हम अपने धाम हृदय को निर्मल कर सकते हैं। और यहाँ चरण कमल का तार पर खाली श्रीराज जी के चरणों से ना लेके उनके नख से सिंगार तक की शोभा से है। और आगे धामधनी वाणी में कहते हैं, धनी बिना अंग निर्मल चाहे सो देखो चितलाए, क्यों निर्मल अंग हो वही जो इंद्रिय रचो बनाए। ये सुंदर साथ जी, इस बात पे आप विचार करके देखें कि बिना चित्तनी किए आत्म जागृति नहीं हो सकती है और ना ही हम उस धाम स्वरूप लीला का वर्णन कर सकते हैं। चित्तनी में स्वाध्याय तप आदि का भी बहुत महत्व है, परंतु ये बात भी स्पष्ट है कि हम जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अगर हम उस निर्विकार पारब्रह्म का ध्यान करेंगे तो हम भी निर्विकार होंगे, और जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने चित्तनी ही की, जैसे कि हमारे रामरतन दास परमहंस जी को तो आप जानते ही हैं, और भी कई ऐसे महापुरुष हुए जिनके पास ब्रह्मवाणी तो नहीं थी परंतु उन्होंने एक अच्छा प्रयत्न किया, जैसे कि महर्षि दयानंद जी और महात्मा बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस, उनके पास तो वाणी नहीं थी परंतु हमारे पास तो साक्षात राज जी ने वाणी दे रखी है। अगर हम अभी भी नहीं चित्तनी करेंगे तो बहुत ही हमें बाद में पछताना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और जो लोग हमारे ही समाज के लोग हैं चित्तनी का विरोध करते हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर चित्तनी से हमें लाभ नहीं होता तो भीतक
श्री लालदास जी की पीतक में स्पष्ट कहा गया है, तहां चितवनी धाम की करत है सब कोय, स्वरूप स्तर वर्णन होने लगा सोए। प्रतिदिन श्री जी सब सुंदर साथ को चितवनी कराया करते हैं और श्री राज जी के चरण कमल और सिंह नक से सिंगार तक की शोभा का वर्णन करते हैं। अगर चितवनी नहीं से लाभ नहीं होता तो वो चितवनी ही क्यों कराते। सुबह शाम प्रतिदिन राज जी चितवनी कराते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगा, सुंदर साथ जी, आप ज्ञानपीठ में आपको 14 ग्रंथों का टीका एवं भावार्थ हो चुका है। शायद कल परसों तक आपको हमारे जो 14 ग्रंथ यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पढ़ें और उसमें डूबें, तभी हमारी आत्मा जागृति हो सकती है। और पढ़ने से ही हमारी आत्मा जागृति नहीं होगी जब तक हम वाणी को चरितार्थ नहीं करेंगे, अपने दिनचर्या में नहीं उतारेंगे। इसी के साथ मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।